हाय फ्रेंड्स, आपके साथ पूरे कॉलोनी की अपडेट शेयर करूंगा। परचेसिंग से लगाकर मैंने जो भी कॉलोनी बनाई है, क्योंकि कॉलोनी बनाने का मैं इतना वेस्ट हो गया था कि वीडियो बना नहीं पाया, तो पूरी कॉलोनी का वीडियो परचेसिंग से लेकर सेलिंग, तो उसके साथ पूरा वीडियो मैंने बना दिया है। तो आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करना है, और वीडियो को अच्छा लगा लाइक शेयर भी करना है। आगे आज फाइनली हमारी कॉलोनी पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, तो पूरे कॉलोनी का मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। और आप सभी को कॉलोनी कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए ओवरव्यू करवाते हैं कॉलोनी का। ये कॉलोनी बनाई है मैंने 6x6 की कॉलोनी बनाई है पूरी, और इसमें अभी मैंने 15 पेड़ लाके छोड़े हैं। और इस कॉलोनी को बनाने में मेरे को 2 दिन लगे, 2 दिन में ये पूरी कॉलोनी कम्प्लीट हो गई। और अभी इसकी डेकोरेशन के लिए पूरा मैं पास पूरे गमले लगवा रहा हूँ, तो उससे इसका डेकोरेशन और अच्छा आ जाएगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा इनको। ये देख लीजिए। और कॉलोनी कैसी लगी, ये सारे पेयर अभी लाके मैंने इसमें डाले हैं 15 पेयर। और ओवरव्यू करवा देता हूँ इसका दूर से भी आपको। ये आज ही बन के कम्प्लीट हुई, तो सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको बता दूँ कि ये कैसी बनी है और क्या है। मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई है, तो देख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये मैंने सॉल्टेड एंग्लो से बनाई है, खुद हाथ से ही बनाई है, घर पे बैठ के मैं और मेरे दोस्त ने मिलके सारों ने बनाई है ये कॉलोनी घर पे बैठ के ही। आज हवा बहुत ही तेज़ है, उस वजह से थोड़ा आवाज़ साफ़ नहीं आ रही होगी। ये पूरी हमने सॉल्टेड एंग्लो से बनाई है, और देख के बताइएगा कि कॉलोनी कैसी बनी है। और थोड़े दिनों ही बाद, अभी तो मैं मटकी देने वाला नहीं हूँ, बारिश का मौसम है, थोड़े दिनों बाद जब भी मटकी दूंगा तो आपको इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करूंगा। मटकी लगाएंगे, किस टाइम लगाएंगे, मैं सब आपके साथ अब शेयर करता रहूंगा। अभी तो मैंने इनको दाना पानी दे दिया है, तो देखते हैं। अभी थोड़ा काम बाकी है इसमें 1-2 जगह का, वो कल तक पूरा, आज शाम तक पूरा हो ही जाएगा। तो फिर आपको पूरी तरह से इसमें स्टिक लगानी है। अभी है ये, तो मैंने ट्रैम्पली स्टिक लगा रखी है, इसमें स्टिक लगाऊंगा, फिर आपको पूरा एक बार और ओवरव्यू दे दूंगा कि आपको ये कैसी लगी। तो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना ये कॉलोनी कैसी लगी आप सभी को। तो प्लीज़ आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा।